नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवीन जिला शक्ति के जेजेपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भोती ढी के रोजगार सहायक कोमल सिंह कंवर पिता राम प्रसाद कंवर के खिलाफ यूं तो बीते 10-12 वर्षों में अनेकों शिकायतें की जा चुकी है, जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होने से इस बार रोजगार सहायक ने सारी हदें ही पार कर दी। उक्त रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा में लाखों का घोटाला करने के बाद अब पीएम आवास योजना में भी सेंध मारने का काम किया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेजेपुर से की थी और जांच के दौरान अतः आरोपी ने अपने बयान में कबूल भी किया कि उसने बिना मकान बनाए दो दो किश्त राशि आहरण किया, लेकिन सक्षम अधिकारियों को शायद लेन देन का इंतजार है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक सप्ताह बीतने के बाद अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई, ये सवाल उठाना लाजमी है। इस विषय में शिकायतकर्ता द्वारा अब जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपी गई है। अब देखना यह है कि क्या वो भी कोई कार्यवाही करते हैं या नहीं। मैं आया हूं। मेरा नाम निर्मल सिंह भैना है, जनपद पंचायत जजयपुर में करा रोपण अधिकारी में पद में पदस्थ हूं। ये प्रधानमंत्री आवास तिलबई पति राम प्रसाद कंवर का शिकायत हुआ था, उसका जांच के लिए आया हूं। और रोजगार सहायक द्वारा ये बयान दिया गया है कि मेरे द्वारा ये टेकिंग कर द्वितीय किस्त प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त की राशि 65,000 आहरण कर लिया गया है। कार्य अभी अप्रारंभ है, 2 माह में जून तक कार्य पूर्ण करूंगा करके बयान दिया गया है। सर, जियो टेकिंग सही बताया गया है कि गलत बताया गया? जियो टेकिंग गलत बताया गया है, दूसरे का घर का जियो टेकिंग किया गया है। शासकीय कर्मचारी होते हुए भी फर्जी तौर तरीके से पैसा की आहरण कराया गया है। सर, एक बात और बताएंगे, क्या प्रतीक्षा सूची से लेन देन करके नाम को आगे पीछे किया जा सकता है? नहीं, प्रतीक्षा सूची से लेन देन करके अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन ये है, ये रायपुर दिल्ली तक का देखा जाता है इसमें ऑनलाइन में, इसलिए आगे पीछे नहीं किया जा सकता। जी, धन्यवाद। सूरज कुमार केवट, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक कोमल सिंह कंवर के पर शिकायत किया था, तो जियो टेकिंग वो गलत हुआ था और 2 किस्त पहुंचा था और घर का ट्रेनियम नहीं रखा है। किसके तो नाम से राशि हरण किया है? तिलबई कंवर राम प्रसाद। कौन है तिलबई कंवर? कोमल प्रसाद कंवर के उसकी माँ। अच्छा, एक और शिकायत था दौआ, उनका भी बारे में क्या बताना चाहिए? अब उनका कहना है कि अब उस समय ख़त्म हो गए हैं, लेन देन नहीं है बोल रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड तो है लेकिन उसको खंगालना पड़ेगा, तो उसको मैं खंगाल के निकाल सकता हूँ। उसके बाद जांच अधिकारी अपने अपने तरीके से दिए हैं बयान, उसमें अमल हैं वो लोग। मैं ये चाहता हूँ जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो रोजगार सहायक है, जिम्मेदार व्यक्ति है जो दूसरा का जियो टेकिंग करते हैं, जो अपने एक और दूसरा के जियो टेक करके अपना बना लेते हैं, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है तो दूसरा का भी गलत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कार्रवाई होना चाहते हैं तो होना चाहिए।